मंगलवार रात एसिड से भरा टैंकर असंतुलित होकर बाईपास ब्रिज के नीचे गिर गया। मामले में टैंकर चालक की लापरवाही सामने आई है। टीआई श्यामचंद शर्मा ने बताया, चालक रमेश के मेडिकल में पता चला है कि वह शराब पीकर टैंकर चला रहा था, जिससे यह हादसा घटित हुआ। मामले में पुलिस ने चालक पर आईपीसी की धारा 285 व मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 में केस दर्ज किया है। जी सर, कल रात में करीब 9 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि उज्जैन जावरा बाईपास रेलवे ब्रिज के नीचे एक टैंकर एसिड से भरा हुआ पलट गया है। उस आधार पर हमने तत्काल वहाँ मौके पर पहुँचे और मौके पर पहुँचे तो वहाँ पे ट्रक के टैंकर के अंदर एक चालक या उसका जो परिचालक था वो फंसा हुआ था। उसको निकाल के सुरक्षित के वो दारू के नशे में था, उसका भी मेडिकल कराया था। और जो प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई थी कि लेंसेक से जो एसिड भर के कोटा जा रहा था और विनय ट्रांसपोर्ट का जो टैंकर है, तो प्रथम दृष्टया इसमें अपन ने टैंकर क्रमांक MP09HG5501 के चालक के ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया है। धारा 285 IPC और 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। और अब इसमें लेंसेक्स वालों से जानकारी प्राप्त करेंगे, दस्तावेज प्राप्त करेंगे, इसमें और कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है, किसकी लापरवाही है, उसके आधार पे इसमें और भी आरोपी का इजाफा होगा। संभवतः मोटर मालिक की यदि लापरवाही है, ऐसे चालक और ड्राइवर लगा इसमें टैंकर को चला रहे हैं, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कोई जनहानि के सामने आया था? नहीं, कोई जनहानि नहीं हुई है। और टैंकर का जो पलटने से जो ऊपर गैस निकलने का वहाँ से लीक हुआ है ऐसे, और कोई वैसे लीकेज नहीं हुआ है।